आज का अपना टॉपिक है इंग्वाइनल कैनाल, और जो इंग्वाइनल कैनाल जो है ये आपका यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना एक एब्डोमेन का। और एक्चुअली में जो इंग्वाइनल कैनाल जो है उसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड करा है। ये अपनी पार्ट वन वीडियो है इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर, जिसके अंदर अपन पूरा बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि इंग्वाइनल कैनाल क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी बाउंड्री, देन उसका कंटेंट। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिख के आना है। देन इसके पार्ट टू वीडियो में अपन बात करेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड की। एक्चुअली में इंग्वाइनल कैनाल का जो कंटेंट होता है वो होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस पूरे कॉर्ड को अपन अच्छे से डिटेल में जानेंगे। देन इसका जो लास्ट पार्ट होता है पार्ट थ्री, तो अपन इसके पार्ट थ्री में इंग्वाइनल लिगामेंट के कुछ मैकेनिज्म देखेंगे। तो आज अपन इस पार्ट वन वीडियो पे देखते हैं इस पूरे इंग्वाइनल कैनाल को। तो इंग्वाइनल कैनाल को बताने से पहले मैं आपको जो है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एक्चुअली में क्या रहता है कि जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वो अपनी तीन मसल से बनती है। अगर अपन सबसे बाहर जाएं तो सबसे बाहर आपका आएगा स्किन, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद आपकी मसल आती है वो है आपकी पूरी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। इसी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के अंदर आपकी प्रेजेंट रहती है इंटरनल ओब्लिक मसल, और उसके अंदर आपकी प्रेजेंट रहती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनेस मसल। ये तीनों मसल जो है ये आपके बनाती थी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं अच्छे से लेयर में तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सबसे बाहर आपकी है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, देन आपकी आती है इंटरनल ओब्लिक मसल, फिर आपकी है ट्रांसवर्स एब्डोमिनेस मसल, उसके बाद एक और फेशिया है उसको अपन बोलेंगे फेशिया ट्रांसवर्सलिस। तो ये जो है ये अपनी पूरी है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब एक्चुअली मुझे इंग्वाइनल लिगामेंट, अब एक्चुअली मुझे इंग्वाइनल कैनाल जो है ये अपना क्या होता है, इसी एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल के लोअर वाले नीचे वाले साइड में आपका प्रेजेंट होता है। अगर आपको इस डायग्राम में देख पा रहा भी हूँ, यहाँ ये क्या है, ये अपना पूरा एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल है। उसके लोअर पार्ट में ये आपको जो कैनाल दिख रही है ना, ये अगर मैंने यहाँ से ग्रीन से हाईलाइट करा है, ये पूरी जो कैनाल है ये है आपकी इंग्वाइनल कैनाल। तो कैनाल को समझाने के लिए तुम ये मान लो कैनाल मतलब पाइप जैसी आपका ये होता है। अपन जानते हैं मान लो पूरी पाइप है, तो ये क्या है, यही अपनी है इंग्वाइनल कैनाल। अपन जानते हैं अब जो पाइप होती है उसके दो एंड्स होते हैं, एक ही एंड हो गया और एक ही एंड हो गया। तो अगर मैं आपको इस ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लोअर वाले पार्ट में आपको दिखाऊं कि इंग्वाइनल कैनाल कैसी होती है, तो कुछ इस तरीके से जो है ये आपकी सिचुएटेड होती है। तो क्लियरली आपको दिख पा रहा होगा कि इंग्वाइनल कैनाल क्या है। इंग्वाइनल कैनाल आपकी एक ओब्लिक कैनाल है जो कि सिचुएटेड आपकी होती है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। अगर आप देखो इसकी एक ओपनिंग जो है, जो इसकी जो डीप ओपनिंग जो है वो किसके अंदर है, वो आपकी है फेशियल ट्रांसवर्सलिस में। एक्चुअली में क्या होता है, इसकी जो एंड है उसको अपन बोलते हैं रिंग, तो अपन इसको बोलेंगे डीप इंग्वाइनल रिंग। तो सबसे अंदर जो इस कैनाल की ओपनिंग है उसको अपन बोलते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग, जो कि आपकी प्रेजेंट होती है फेशियल ट्रांसवर्सलिस में। और इसकी एक और ओपनिंग होती है जो कि आपके सुपीरियर में है, तो उसे अपन बोलते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, जो कि आपकी कहाँ प्रेजेंट रहेगी, आपकी प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल में। तो पूरा का पूरा जो है ये अपना होगा इंग्वाइनल कैनाल। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, मैंने आपके लिए क्या एक मॉडल बनाया है, ये पूरा जो है इंग्वाइनल कैनाल का ही मॉडल है, और ये एक्चुअली में बीडीसी में दिया हुआ है, तो आप भी क्या कट करके बना सकते हो। तो एक्चुअली मैं आपको दिखा के बताऊं तो बिल्कुल इसी तरीके से रहता है पूरा इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। तो ये है इसका अपर पार्ट, ये है लोअर पार्ट, तो कुछ इस तरीके से जो है सिचुएटेड आपका होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। अब जो इंग्वाइनल कैनाल जो है ये एक्चुअली में क्या होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट ऊपर होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। अब आप बोलोगे इंग्वाइनल लिगामेंट क्या है, तो इसको अपन जो है लोअर लिम में देख चुके थे, लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये अपनी जो है पेल्विस बोन है, इस पेल्विस बोन में ये क्या है, ये है अपना इंटीरियर इलिक स्पाइन और ये है आपका प्यूबिक ट्यूबरोसिटी। इन दोनों के बीच में ये जो आपको लिगामेंट दिख रहा है इसी को अपन बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। अगर आप इस साइड में भी देखो तो आपको दिख पा रहा होगा, लेकिन इस तरफ क्या सेपरेट है ये पूरा, ये वाला ये पूरा लिगामेंट है आपका इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इसी इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर आपका सिचुएटेड रहता है इंग्वाइनल कैनाल। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले इसकी ये जो ओपनिंग है, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो इंग्वाइनल कैनाल है वो कैसी कैनाल है, वो अपनी है ओब्लिक कैनाल। अगर मैं आपको इस पेन से डिनोट करके बताऊं, तो ये एक ओपनिंग इसकी हो गई सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये कहाँ थी, ये अपनी है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपिनोरोसिस में, ये अपने एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपिनोरोसिस में ये ओपनिंग है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सिमिलरली इसकी एक डीप ओपनिंग भी होगी, ये इसकी है डीप ओपनिंग जो कि मैंने कहाँ बताई थी, आपकी फेशिया ट्रांसवर्सलिस में। अब एक्चुअली में ये जो इंग्वाइनल कैनाल जो है कुछ इस तरीके से पैसेज होता है, ये मैं आपको अगर
ओबली क्लिक करके बताऊँ, ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप इसके ऊपर से देखो तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा ये कैसा है। ये स्लाइड सा आपका ओब्लिक है, ये कुछ जो है आपका इस तरीके से आपका होता है। तो अपना जो इंग्वाइनल कैनाल है वो अपना एक ओब्लिक कैनाल होता है और ये मसल के बीच में से पास कर रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं ओब्लिक इंटर मस्कुलर पैसेज। कहाँ होता है? इन लोअर पार्ट ऑफ एंटायर एब्डोमिनल वॉल। तो ये पूरी अपनी डेफिनेशन हो गई अपने इंग्वाइनल कैनाल की। फिर इसका अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊँ किस तरीके से सिचुएटेड होता है, तो ये जो है ना आपका इंग्वाइनल लिगामेंट, इसके नीचे क्या रहता है? आपका रहता है इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट ऊपर आपका जो है इंग्वाइनल कैनाल आपका प्रेजेंट रहता है। वही मैं आपको उसके अब बताऊँ डायरेक्शन, किस तरीके से इसका डायरेक्शन होता है। तो ये जो है डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियल है। इसको बताने के लिए मैं आपको पेन फिर से रख के बताता हूँ, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये सबसे पहले ये क्या फॉरवर्ड है और मीडियली भी है, फॉरवर्ड है मीडियल है और ये हल्का सा डाउनवर्ड होता है एक्चुअली में। तो ये आपका डायरेक्शन इसका कैसा हुआ, डाउनवर्ड फॉरवर्ड और मीडियल। फिर अपन देखते हैं एक्सटेंड की इंग्वाइनल कैनाल जो है कहाँ से एक्सटेंड करती है। तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा कि डीप इंग्वाइनल रिंग है ये वाली, ये डीप इंग्वाइनल रिंग से आपकी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक ये आपका एक्सटेंड करता है। तो अच्छे से याद कर लेना कि इंग्वाइनल कैनाल आपका डीप इंग्वाइनल रिंग से लेकर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक आपका एक्सटेंड करता है। तो अपन आप दोनों रिंग्स को डिटेल में देख लेते हैं कि डीप इंग्वाइनल रिंग क्या है और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग क्या होती है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, आपको मैंने पूरा इंग्वाइनल कैनाल आपका सिचुएशन करके बता दिया कुछ इस तरीके से सिचुएटेड है। तो अगर अपन इसके पीछे वाले पार्ट पे दिखाऊँ ये वाला, तो यहाँ पे आपको ये ओपनिंग दिख रही होगी। तो ये जो ओपनिंग है ना यही है आपकी डीप इंग्वाइनल रिंग। तो डीप इंग्वाइनल रिंग अगर आप देख पा रहे हो कैसी है, ये अपनी है ओवल ओपनिंग। याद रख लेना डीप इंग्वाइनल रिंग अपनी होती है ओवल ओपनिंग इन फेशिया ट्रांसवर्सालिस में। अपन ने देखा था ना, तो फेशिया ट्रांसवर्सालिस में एक ओब्लिक ओपनिंग होती है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस में एक ओवल ओपनिंग होती है, उसे अपन बोलते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग। और ये कहाँ सिचुएटेड है, ये अपने 1.5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द मिड इंग्वाइनल पॉइंट पर सिचुएटेड है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको फर्दर ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ क्या होता है। ये अपना है पूरा इंग्वाइनल लिगामेंट, इस इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट मिड पॉइंट पे, इस इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट मिड पॉइंट के 1.5 सेंटीमीटर अबव ये जो है आपका डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट रहता है। अगर मैं आपके इसके लोअर वाले पार्ट में भी दिखाऊं, ये क्या है, ये अपना पूरा इंग्वाइनल लिगामेंट, इस इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट पे बिल्कुल बीच से 1.5 सेंटीमीटर अबव जो होता है आपका डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है एक्चुअली में बीडीसी में, ये मैंने आपको एज इट इज लिख दिया कि जो इंग्वाइनल रिंग जो है, ये जो डीप इंग्वाइनल रिंग जो है इमीडिएटली लेटरल टू स्टैम्प ऑफ इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपकी होती है मीडियल साइड, मतलब सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है वो अपनी होती है मीडियल साइड, ठीक है, और ये है अपना डीप इंग्वाइनल रिंग। और यहाँ पे क्या रहती है, आपकी एक आर्टरी और एक वेन प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। तो इन दोनों वेसल के स्टेम के जस्ट लेटरल में जो है आपका डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, जब हम सर्जरी वगैरह में थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ होती है, जस्ट सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल में आपकी प्रेजेंट होती है। तो अपन ने इसके तीन पॉइंट क्या देखे, बड़ा इजी था, अपन ने देखा कि जो डीप इंग्वाइनल रिंग है वो अपनी ओवल ओपनिंग होती है, उसके बाद सिचुएशन देखा कि आपका मिड इंग्वाइनल पॉइंट में 2.5 सेंटीमीटर अबव है और इसके जस्ट लेटरल में किसके लेटरल होती है, ये आपका सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक या आपकी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के जस्ट लेटरल में प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर अपन अब सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बारे में देखें, तो अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है, सबसे पहले ये अपना एक ट्रायंगुलर ओपनिंग है। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो आपको दिख रहा है ना, ये अपना एक ट्रायंगुलर ओपनिंग है और ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल है, ये अपना एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ कुछ इस तरीके से जो है ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होता है, मतलब ऑब्ट्यूस ट्रायंगल अपन उस ट्रायंगल को बोलते हैं जो कि मोर देन 90 हो, इसका जो एंगल है ना वो आपका 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, उसको अपन बोलते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। तो आप देख भी पा रहे हो
तो जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है वो अपना एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, किसके अंदर? आपका एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपो न्यूरोसिस में। उसके बाद अब एक ट्राइंगल है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ बेस होगा, तो इस ट्राइंगल का जो बेस होता है ना ये, वो किससे बनता है? वो अपना बनता है प्यूबिक क्रस्ट से। एक्चुअली मतलब पेल्विक बोन जो है ना उसमें आपकी रहती है प्यूबिक क्रस्ट, वो आपका बना लेती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का बेस। वहीं अब इसकी जो दो मार्जिन है ये वाली, बेस के बाद इसकी बची मार्जिन्स, तो इसके दोनों मार्जिन्स को अपन बोलते हैं क्रूरा, या आप अच्छे से याद कर लेना एक टेक्निकल टर्म है। अपन सबसे पहले अपन ने बेस देखा, वो आपकी बना रही हैं प्यूबिक क्रस्ट से, और दोनों इसके जो मार्जिन जो है अभी मीडियल में अपन बोलेंगे मीडियल मार्जिन, लेटरल में अपन बोलेंगे लेटरल मार्जिन, इन दोनों मीडियल लेटरल मार्जिन को अपन बोलते हैं क्रूरा। और इस ट्राइंगल के एपेक्स पे ये दोनों क्रूरा जो है आपकी मीट हो जाती हैं, मीडियल एंड लेटरल। तो मैंने आपको पूरा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को भी अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बता दिया। देन अब अपन इसका देखते हैं मेन पार्ट जो कि है इसकी बाउंड्री वाला पार्ट। तो यार इसको बाउंड्री बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब एक्चुअली में ये जो अगर आप मॉडल देखो तो उसको आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, इसकी एक होती है इंटीरियर वॉल, ये तो पूरा कैनाल है ना, इसका एक होगी इंटीरियर वॉल, एक इसकी होगी पोस्टीरियर वॉल, एक इसका होगा नीचे वाला पार्ट जिसको अपन बोलते हैं फ्लोर, एक होगा इसका फ्लोर, देन एक इसका होगा रूफ इसकी छत ऊपर वाला पार्ट। तो सारी अपन को जो है इसकी बाउंड्रीज देखनी है। तो सबसे पहले अगर अपन इसकी इंटीरियर वॉल अपन देखें तो उसको भी अपन को दो पार्ट में देखना है, एक होल एक्सटेंट कि पूरे पे क्या है, दूसरा लेटरल में। मैं आपको उसको समझाता हूँ, पहले मैं आपको होल एक्सटेंट बताता हूँ। अपन देखते हैं एंटेरियर वॉल, तो एंटेरियर वॉल में पूरे में सबसे बाहर क्या होगा, सबसे बाहर आपकी होगी स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपेन्यूरोसिस, ये है ना कि पूरी आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपेन्यूरोसिस। आप उसको यहाँ भी देख सकते हैं, ये आपका पूरा एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की ये है आपकी एपो न्यूरोसिस। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये तो आपके पूरे होल एक्सटेंड में हो गई, आपके इंटीरियर वॉल में पूरे में है, लेकिन इसके इसके इंटीरियर वॉल में लेटरल वन थर्ड में एक और मसल आ जाती है, उसको अपन बोलते हैं इंटरनल ओब्लिक मसल। मतलब इसका जो इंटीरियर वॉल है वो आपका दो पार्ट से बनता है, एक होल एक्सटेंड में एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, उसके बाद लेटरल वन थर्ड में इंटरनल ओब्लिक मसल। अगर आप इसमें देख पा रहे हो, आपको ऊपर दिख पा रहा होगा, ये आपकी मसल है इंटरनल ओब्लिक मसल। आपको इस डायग्राम से भी दिखाऊं तो आपको पूरा होल एक्सटेंड में दिख रही है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, लेकिन ये आपको इंटरनल ओब्लिक मसल जो है सिर्फ आपको लेटरल वन थर्ड में दिख पा रही होगी, ये आपकी लेटरल वन थर्ड में ही आपकी दिखती है इंटरनल ओब्लिक मसल। तो ये इसकी होगी बाउंड्री। और क्या यार, अगर मैं तुम्हें इस मॉडल से समझा रहा हूँ ना तो तुम्हें क्या सारी बाउंड्री जो है अच्छे से इमेजिन हो रही होगी? अगर मैं तुम्हें मॉडल वगैरह से नहीं बताता, नहीं पढ़ाता ना, तो तुम्हें क्या अच्छे से इमेजिन नहीं हो पाती। तो इसलिए मेरा क्या एक ही गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 3D मॉडल दिखा के, कलरफुल डायग्राम दिखा के, या ऐसा मॉडल बना के, आपको पूरी मेहनत से जो है आपको मैं पूरा कंसेप्ट उसका समझाता हूँ, आपको चीज़ें रटी नहीं ना पड़े। और सिमिलरली अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, पेल्विस जो है, मैं पहले ही इसके सारे IMP टॉपिक्स को मैं कवर कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा जो है कवर करा है। तो यार अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही है, लेकिन मेन होता है तुम उसको शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, उनके अच्छे से कंसेप्ट बने। और तुम अगर शेयर करते हो ना, इतना ही मेरा बहुत रिवॉर्ड हो जाता है कि नहीं यार तुमने इतना कर दिया, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड है। तो मैंने आपको ये क्या बताया, अपन ने इसके इंटीरियर वॉल देखी, देन अपन इसके देखें पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल अपन फिर से वही होल एक्सटेंड में क्या है, आपका है फेशियल ट्रांसवर्सलिस, देन फेशियल ट्रांसवर्सलिस के भी पीछे आपका होता है यार एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, उसके बाद आपकी आती है पैराइटल पेरिटोनियम, ये तीनों आपके मिलके बनाती हैं पोस्टीरियर वॉल आपके होल एक्सटेंड में। देन इसका जो मिडिल 2/3 जो होता है वो आपका कंजॉइंट टेंडन बनाती हैं। अब आप बोलोगे कंजॉइंट टेंडन क्या है, तो कंजॉइंट टेंडन जो है वो एक्चुअली में आपके दो मसल की एपिन्यूरोसिस से बनती हैं, एक इंटरनल ओब्लिक मसल और एक ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, ये दोनों मिलके आपके बनाती हैं कंजॉइंट टेंडन। तो उसको समझा दिखाने के लिए मैं आपको ये वाला दिखाऊँ लेयर वाला डायग्राम, तो क्लियरली आपको दिख पा रहा होगा ये क्या है, ये है अपना इंटरनल ओब्लिक मसल, ये दिख रहा है आपको, ये है अपना इंटरनल ओब्लिक मसल,
देन इसके पीछे ये क्या है, ये है अपना ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। ये दोनों मसल अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, नीचे वाले पार्ट में आपके ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसी को अपन बोलते हैं कंजॉइंट टेंडन। कि आपका इंटरनल ओब्लिक मसल की एपिनोरोसिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल की एपिनोरोसिस, दोनों नीचे आके आपकी ज्वाइन हो जाती हैं और आपकी बना लेती हैं कंजॉइंट टेंडन। और कंजॉइंट टेंडन क्या कर रहा है, ये आपका पोस्टीरियर वॉल का टू मीडियल 2/3 पार्ट आपका बना रहा है। तो मैंने आपको इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल दोनों आपको अच्छी तरीके से बता दी। देन फिर अपन देखते हैं इसका फ्लोर, किसका फ्लोर कौन बनाता है। तो अपन को बहुत इजीली पता है फ्लोर मतलब नीचे, तो इस पूरे इंग्वाइनल कैनाल के नीचे क्या है, इंग्वाइनल कैनाल के अपने नीचे रहता है इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है ना। और इंग्वाइनल लिगामेंट का भी कौन सा पार्ट, ग्रूव अपर सरफेस ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट जो है इसका फ्लोर बनाता है। उसके बाद एक और यहाँ पॉइंट लिखा है मीडियल एंड बाय लेकुनार लिगामेंट। अब एक्चुअली में क्या होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट जो है ये अलग से एक आपका शॉर्ट नोट है, और बहुत ज़्यादा छोटा सा इंग्वाइनल लिगामेंट जो है अपने में एक शॉर्ट नोट है, और उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टॉपिक था ये, तो आपको लिंक आई बटन मिल जाएगी, आप वो जाके देख सकते हो। तो इंग्वाइनल लिगामेंट का ही एक पार्ट होता है, उसे अपन बोलते हैं लेकुनार लिगामेंट। तो इस इंग्वाइनल कैनाल का जो फ्लोर होता है वो आपका इंग्वाइनल कैनाल बना रहा है पूरा, और इसके जो मिडिल पार्ट है, मिडिल वाले पार्ट में जो है, और इसका जो मिडिल वाला पार्ट जो है इसके मिडिल पार्ट में आपका लेकुनार लिगामेंट भी आ जाता है। फिर अपन देखेंगे इसका रूफ, रूफ मतलब ये इसका ऊपर वाला पार्ट। तो रूफ में आप क्लियरली देख पा रहा होगा सिर्फ दो मसल इसका रूफ बनाती हैं, एक आपको मसल दिख रही है यह है आपका इंटरनल ओब्लिक मसल, दूसरी आपकी मसल है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, ये दोनों मसल बनाती हैं। उसके भी कौन से फाइबर, आर्च फाइबर, मतलब इन दोनों मसल के भी आर्च्ड फाइबर जो रहते हैं, आर्च मतलब हल्के से घूमे हुए, मतलब क्या कुछ इस तरीके से हल्के राउंड जो है फाइबर इसके बना लेती हैं। तो ये मैंने आपको सारी इसकी बाउंड्री बता दी। अगर तुम भी इंग्वाइनल कैनाल पढ़ने वाले हो तो BDC में आपको बिल्कुल आपको जो है मॉडल मिल जाएगा, सो कट करके बना लेना, 5 मिनट में बन जाता है। तो आपको इंग्वाइनल कैनाल की सारी बाउंड्री क्या आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी, मतलब अपन चीज़ों का या रटे नहीं रहे हैं उसे समझ के याद कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप करो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर अपन देखते हैं इसके कंटेन। अब जाहिर सी बात है ये जो कैनाल है, अब इसके अंदर कुछ तो होगा ना, कोई तो स्ट्रक्चर वो कंटेन करके ले जा रही होगी ना। तो ये इंग्वाइनल कैनाल जो है ये एक्चुअली में आपका मेल में, अपन पहले मेल में देखेंगे, मेल में जो है आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है कंटेन करती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये पूरी क्या थी, ये अपनी पूरी आपकी है इंग्वाइनल कैनाल। देन इस इंग्वाइनल कैनाल में से अगर आप स्ट्रक्चर से निकलता हुआ देख रहे हो ना, यही है आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड, कुछ इस तरीके से ये जो है आपका ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब आप बोलेंगे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ये एक्चुअली में आपकी वासा डिफरेंशिया और टेस्टिस की आर्टरी, टेस्टिस की ही ये जो वेन होती है ना उससे आपका बनता है पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ये अलग से आपका यूनिवर्सिटी में वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट बताओ, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शॉर्ट में पूरा लिखने के लिए जाएगा, दैन फिर आपको उसकी सारी जो है वॉल वगैरह सब लिखनी पड़ेगी। तो इसको क्या मैं आपको Part 2 वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये जो है फर्दर आपको थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो ये वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैंने इसको Part 2 वीडियो में देखा है। तो अभी आप ये याद कर लो कि इंग्वाइनल कैनाल का मेल में कंटेन होता है ये पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड, और फीमेल में जाहिर ज्यादा टेस्टिस तो होगा नहीं, तो आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड फीमेल में नहीं होती। तो इसलिए क्या रहता है, जो फीमेल के अंदर जो इंग्वाइनल कैनाल जो है वो होती है शॉर्टर, एज कंपेयर अपन मेल से करें तो मेल के अंदर इंग्वाइनल कैनाल जो है वो लार्ज रहती है, फीमेल में जो है ये स्मॉल रहती है। और फीमेल में यहाँ पे आपका जाता है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इसके कंटेन में। तो अगर आपने मेरी जो है सपोर्ट ऑफ यूट्रस की वीडियो नहीं देखी, एक्चुअली में मैंने क्या करा है पेल्विस पहले अपलोड कर दिया, तो उसमें मैं आपको पूरा राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है समझा चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वो वाली भी वीडियो देख सकते हो। एक्चुअली में क्या होता है, मेल में आपकी यहाँ से निकल रही है स्पर्मेटिक कॉर्ड, सिमिलरली फीमेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड ना निकल के आपके निकलती है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इसका कंटेन होता है। उसके अलावा इसका एक और कंटेन है, उसको अपन बोलते हैं इलियो इंग्वाइनल नर्व। एक्चुअली मुझे इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है वो क्या करती है, ये आपको दिख रहा है ना इंटरनल ओब्लिक मसल, इसके पीछे क्या है इंटरनल ओब्लिक मसल, इन दोनों के बीच में से
आपके जो है इलियो इंग्वाइनल नर्व एंटर करती है और आपका सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से जो है एग्जिट कर जाती है। तो आपका ये भी कंटेन होता है और ये बोथ सेक्सेस में, मेल और फीमेल में, दोनों में आपको देखने को मिलेगा। इलियो इंग्वाइनल नर्व एंटर द कैनाल थ्रू बिटवीन इंटरनल इंटरवल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक मसल, मतलब इन दोनों मसल के जस्ट बीच में से वो एंटर हो जाएगी, पासेज आउट थ्रू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से वो फिर देन पास कर जाएगी। तो ये पूरा मैंने आपको इंग्वाइनल कैनाल बता दिया। देन अब अपन इसको देखते हैं यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। तो कभी अगर इंग्वाइनल कैनाल आपके यूनिवर्सिटी में आ गया तो मेनली आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आप किस तरीके से लिखोगे? तो मैं आपको अपर लेम, लोअर लेम, हर टॉपिक में आपको बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी में लिखने का तरीका है। आप मेनली इसको पैराग्राफ्स में ना लिख के आप हेडिंग्स में और अगर पॉइंट्स में लिखते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। और अपना अल्टीमेट मेन एम यही है कि अपन को यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है, उसमें ज़्यादा नंबर अपन को लाने हैं। क्योंकि क्या होता है, यूनिवर्सिटी की सीट अपन को बहुत मुश्किल से मिली है, नीट अपन ने क्रैक करके फिर अपन को जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलती है। इसलिए आपको जो है पूरा अपना पूरी मेहनत करो, सारे कंसेप्ट बनाओ और जितना हो सके 3D में देखो। अगर तुम 3D ऐप परचेज नहीं कर सकते तो तुम्हें सिर्फ मेरी वीडियो देखते रहो, मैं उसमें सब कर देता हूँ। अगर तुम मेरी वीडियो देखो और मेरे जो नोट्स हैं उसका तुम स्क्रीनशॉट लो, तुम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आ सकते हो। तो आप डायरेक्ट क्या है ये लिखो, सबसे पहले आप इंग्वाइनल कैनाल लिखना हेडिंग, देन आप इसके इंट्रोडक्शन वाले 3 पॉइंट लिखना कि ये ओब्लिक इंटरमस्कुलर कैनाल है, सिचुएशन लिखना, फिर इसकी डायरेक्शन लिखना, फिर आपको एक्सटेंड लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे लिख के आना। फिर आप एक्सटेंड की हेडिंग डाल के इसका एक्सटेंड लिखना, फिर डीप इंग्वाइनल रिंग के 3 पॉइंट, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के 3 पॉइंट लिखना हेडिंग डाल के, देन इसकी बाउंड्री हेडिंग डालोगे आप, देन हेडिंग डालने के बाद आप इंटीरियर वॉल हेडिंग डाल के फिर इंटीरियर वॉल में भी डालना होल एक्सटेंड, फिर तीनों होल एक्सटेंड लिखना, फिर लिटरल 1/3 लिख के, लिटरल 1/3 कैसे बन रहा है वो लिखना। मतलब आपको ऐसे लिखना है, जितना आप क्लियरली लिखोगे क्या होगा एग्जामिनर को क्या समझने में उतनी आपका, आपने क्या मतलब वो ये देखता है एग्जामिनर क्या देखता है कि आपने किस तरीके से अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करा है। तो आप जितने अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। देन सिमिलरली आप पोस्टर वॉल लिखोगे, देन आप सेक्स डिफरेंस लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, की लाइन है ये, सेक्स डिफरेंस लिखना, फिर स्ट्रक्चर पासिंग जो होते हैं कैनाल के वो भी आपको लिखना है। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में भी लिखना है, देन फिर आप इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड के हेडिंग डाल के उसके भी आप पूरा डिटेल में समझाओगे। तो उसके अलावा आपको ये वाला जो है डायग्राम बना के आना पड़ेगा। अब एक्चुअली ये डायग्राम जो है ये अपने BDC का ही डायग्राम है और इस पूरे डायग्राम को मैं जो है Part 2 वीडियो में मैं आपको अच्छे समझा दूंगा कि ये पूरा डायग्राम क्या है और आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड भी समझाऊंगा। इसलिए तो मैं इसका Part 2 वीडियो में मिस नहीं करना है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, इसका Part 2 वीडियो भी देखते रहो, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग। और अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट में अगर अच्छी क्वालिटी ना मिले मेरे नोट्स की तो तुम मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए अलग से एक पूरा पेज बना के रखा है, उसमें सारे नोट्स HD में डले हुए हैं, तो बिल्कुल तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे नोट्स तुम HD में भी ले लो मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।